गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम मेघा देवरे, असिस्टेंट प्रोफेसर शशिंकराचार्य महाविद्यालय जिनवानी भिलाई, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस। मैं आप लोगों को आज एमएस वर्ड का जो नेक्स्ट स्टेप है, रेफरेंस स्टेप, उसके बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगी। ठीक, तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है, एमएस वर्ड में टोटल 8 टाइप के टैब्स होते हैं। ठीक है, इसमें हम लोगों ने अभी तक की होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब के बारे में पढ़ लिया है। तो आज आपका बारी आता है रेफरेंस टैब को पढ़ने का। तो रेफरेंस टैब क्या होता है, उसके कौन कौन से सब टैब होते हैं, ये मैं आपको आज डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ। तो अपन यहाँ पे सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, रेफरेंस टैब के बारे में, है ना। तो रेफरेंस टैब के कौन कौन से सब टैब होते हैं, इसमें सबसे पहला होता है आपका टेबल ऑफ कंटेंट, फिर होता है आपका फुट नोट, फिर होता है आपका साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी, फिर होता है आपका कैप्शन, फिर इंडेक्स, और लास्ट में आता है टेबल ऑफ ऑथेंटिकेशन। ठीक, इसके बारे में अपन यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। तो अपन सबसे पहले यहाँ पे पढ़ेंगे टेबल ऑफ कंटेंट के बारे में। टेबल ऑफ कंटेंट जैसे आपको इमेज में दिख रहा होगा, अगर आपके जो डॉक्यूमेंट है इसमें दो तीन टेबल है, तो उसके कंटेंट का अरेंजमेंट आपको कैसे करना है वो अपन स्टेप के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, आपको उसकी हेडिंग 1, 2, 3 जैसे भी रखनी है, अपन क्या कर सकते हैं इसके थ्रू अपन अपना जो टेबल है उसका कंटेंट को अरेंज कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका फुट नोट। फुट नोट इट मीन्स अगर आपके डॉक्यूमेंट में आपको कोई फुट नोट में कोई चीज़ें डालनी है, ठीक है, जिससे मैं आपको ऑप्शन दिख रहा है नंबर फॉर्मेट डालना है तो आप कोई भी नंबर फॉर्मेट उसमें डाल सकते हो, कस्टम मार्क करना है कुछ तो कस्टम मार्क के लिए कुछ सिम्बॉल डाल सकते हो, है ना। अगर आपको उसमें कोई क्या करना है, स्टार्ट एट, उसमें कोई आपको टाइम चेंज करना है या टाइम सेट करना है उस पर, ठीक, या तो अगर आपको उसमें कोई नंबरिंग करनी है तो अपन क्या कर सकते हैं, इन सब का यूज़ करके अपन क्या कर सकते हैं, फुट नोट में चीज़ों को इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी, जो जनरली पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए यूज़ होता है। ठीक है, इसके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, अपन इसमें साइटेशन इंसर्ट कर सकते हैं, आपके डॉक्यूमेंट में अपन बिब्लियोग्राफी यूज़ कर सकते हैं, बिब्लियोग्राफी अपने उसका क्रिएट कर सकते हो। तो ये किसके लिए यूज़ होता है, ये रेफरेंस जो टैब का जो ये साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी है वो आप लोगों के लिए उतना यूज़फुल नहीं है, लेकिन आपको इसके बारे में जानकारी मालूम होना चाहिए, इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ कि इसमें अपन क्या कर सकते हैं, साइटेशन और आपका जो है वो बिब्लियोग्राफी इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका कैप्शन। कैप्शन के थ्रू जैसा कि अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी इमेजेस हैं या कोई भी आपने फिगर डाला हुआ है, क्या कर सकते हैं, अपन उस फिगर को लेबल कर सकते हैं, उस फिगर में आप नया कैप्शन ऐड कर सकते हो और फिगर का पूरा डिस्क्राइब कर सकते हो उसका डिटेल। तो किसके थ्रू होता है, रेफरेंस टैब में कैप्शन के थ्रू होता है। इसके बाद आता है आपका इंडेक्स। इंडेक्स टैब के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, आपके डॉक्यूमेंट में किसी भी टैब का क्या करनी है, इंडेक्सिंग करनी है, तो अपन इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, उसको इंडेक्सिंग कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका टेबल ऑफ ऑथेंटिकेशन। टेबल ऑफ ऑथेंटिकेशन इट मीन्स अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट में कोई टेबल यूज़ किया है, ठीक है, और वो टेबल आपने कंटेन नहीं किया है, तो अपन क्या कर सकते हैं, उसको उसका एक पूरा प्रॉपर ऑथेंटिकेशन इसमें दे सकते हैं कि हमने इस टेबल को यहाँ से उसका रेफरेंस लिया हुआ है। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पर उसका पूरा ऑथेंटिकेशन बता सकते हैं, आपके डॉक्यूमेंट में आपने टेबल कहाँ से लिया है, क्यों लिया है और किस पर्पज़ से लिया है। Thank you so much.